आज बनाएंगे कटहल से बिल्कुल नई रेसिपी और सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है बच्चों से लेके बड़े तक सब कोई मांग मांग के खाएगा ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी कभी आप ऐसे भी ट्राई कीजिए तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने इधर ले लिया है कटहल और कटहल को मैंने नमक और हल्दी डाल के अच्छे से उबाल दिया है और ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है हमें इसे अच्छे से धो के नमक और हल्दी डाल के उबाल लेना है मैंने इसमें दो सीटियाँ लगाई थी और इसके साथ हमें मिलाना है एक उबले हुए आलू और इधर टोटल 300 ग्राम करीब कटहल है तो आप मैंने ले लिया है एक फ़ोर्क फोर्क के मदद से इसे हम मैश कर लेंगे आप चाहे तो दूसरा कोई मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं और इसे ना बहुत अच्छे से हमें उबालना है कि अच्छे से ये मैश हो जाए आलू को हमें इसमें मिलाना ही है आलू से क्या होता है ना अच्छा बाइंडिंग आता है तो इसीलिए लिए उबले हुए आलू को मैंने इसमें मिक्स किया है तो आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं पर एक आध आलू अगर आप मिलाते हैं तो इसमें टेस्ट भी बढ़िया आता है और बाइंडिंग भी अच्छा होता है पर बहुत ज़्यादा आलू मिलाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो लीजिए अब मैंने हाथों का मदद ले लिया है और हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाला जैसे धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर से खूबसूरत कलर आएगा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया है और इसके साथ वन फोर्थ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है और एकदम थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ प्याज मैंने इसमें डाला है और कच्चा जीरा हाफ टी स्पून अब इसमें मिलाना है कॉर्नफ्लोर पाउडर तो इसमें मैंने डाला है टू टेबल स्पून करीब कॉर्नफ्लोर पाउडर और उसके साथ ही टू टेबल स्पून चावल का आटा और इसके साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है अब अच्छे से इसे मिक्स करना है आप चाहे तो लहसुन चॉप किया हुआ भी ऐड कर सकते हैं पर मैंने लहसुन इधर यूज़ नहीं किया है तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है आप क्या करेंगे ये हाथ को पहले वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद ही हमें क्या करना है ना इसमें से लोई जैसा तोड़ लेना है और गोल गोल बॉल जैसा बना लेना है हैंड वॉश करके बनाने से ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और चार पाँच बनाएंगे उसके बाद फिर से हाथ को वॉश कर लेना है इसे क्या होगा ये हाथ में बिल्कुल चिपकेगी नहीं और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाएगा तो आप अपना पसंद से छोटा या बड़ा बॉल बना सकते हैं अब मैंने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल और ऑयल को कर लेना है गर्म अब गर्मा गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे तो फटाफट फट से क्या होगा ना ऊपर में ब्राउन कलर आ जाएगा और अंदर में उतना अच्छे से ये पकेगा नहीं तो इसीलिए फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तो इसे हम चम्मच की मदद से ऊपर में ऐसे ऑयल डाल देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है आप चाहे तो और ऑयल लेके डीप फ्राई कर सकते हैं ये जो बॉल्स हम फ्राई कर रहे हैं वो इतने सॉफ्ट और क्रंची बनेगी बहुत समय देखा जाता है कि ये हार्ड हो जाता है तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें हम आलू मिलाए हैं तो देखिए धीरे धीरे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बस इसमें चिली फ्लेक्स या हरी मिर्च ऐड करके ऐसे फ्राई करके चाय के साथ भी मज़ा उठा सकते हैं तो ये अब बिल्कुल रेडी है अब इसे ऑयल से हमें निकाल लेना है तो बनी है ना एकदम परफेक्ट तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में मैंने सारे बॉल्स फ्राई करके रेडी कर लिया है अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल इधर मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल लिया है इसे अच्छे से हमें कर लेना है गरम और गरम ऑयल में हम डालेंगे चॉप किया हुआ छह से सात कलियां लहसन और लहसन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक इंच अदरक के टुकड़े जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसके बाद चार से पाँच हरी मिर्च को चॉप्ड करके मैंने इधर डाल दिया है अब इसे 10 से 20 सेकेंड तक ऐसे ही हल्का सा भून लेना है और इसके बाद इसमें मिलाना है बड़े साइज में कट किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च आप इसे अगर और कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप हरे शिमला मिर्च के साथ रेड और पीला शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं पर मेरे इधर अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने हरे शिमला मिर्च का ही यूज़ किया है अब इसमें ऐड करना है चॉप्ड किया हुआ स्प्रिंग अनियन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेम को मैंने रखा है बिल्कुल हाई हाई फ्लेम में हमें इसे फ्राई कर लेना है बहुत देर तक हमें इसे भूनना नहीं है कम से कम एक मिनट तक हाई फ्लेम में इसे हम अच्छे से भून लेंगे इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका क्रंच जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे अब इसमें मिलाना है विनीगर इधर मैंने वन टेबल स्पून करीब विनीगर ऐड कर लिया है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का जो क्रंच है वो भी बहुत अच्छे से बरकरार रहता है पहले से मैंने नमक ऐड नहीं किया है नमक मिलाने से ही सब्जी अपने आप में सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसीलिए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है अभी अभी इसमें वन टेबल स्पून करीब सोया सॉस मैंने डाल दिया है और इसके साथ ही वन टेबल स्पून करीब चिली सॉस जो ग्रीन चिली सॉस है उसका मैंने यूज़ किया है और उसके साथ ही मैंने इधर यूज़ किया है टमेटो सॉस टू टेबल स्पून करीब टमेटो सॉस मैंने यूज़ किया है और इसे एक मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से हमें भून लेना है उसके बाद इसमें मिलाना है कनफ्लोर वाला पानी वन टेबल स्पून कनफ्लोर के साथ मैंने हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है और जैसे ही इसमें उबल आए अब इस स्टेज में हमें मिलाना है नमक नमक अब हमें सोच समझ के यूज़ करना है क्योंकि जो सॉसेस मैंने यूज़ किया है तो उसमें नमक ऑलरेडी रहता ही है तो इसीलिए सोच समझ के नमक यूज़ करना है और जैसे ही इसमें उबल आए इसमें सारा बॉल जो पहले मैंने फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर लेना है और बहुत देर तक इसे पकाना नहीं है बस 30 सेकेंड्स तक इसे चलाएंगे, और उसके बाद हमें तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और बंद करके इसे और थोड़ा सा चला लेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे स्प्रिंग अनियन इससे ये गर्निशिंग भी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए अब इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं एक ही कटहल की सब्जी खा खा के अगर आप बोर हो जाएंगे तब आप बना लीजिए इस रेसिपी को सच में ये बहुत टेस्टी बनती है आप इसे चावल के साथ चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ पराठा के साथ आराम से मज़ा ले सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो एक काट के भी मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है काटने से ही आप समझ पाएंगे कि एकदम सॉफ्ट बहुत देर तक ग्रेवी में हम इसे बिल्कुल नहीं पकाया है फिर भी ये सुपर सॉफ्ट और स्पंजी हुआ है अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे न्यू न्यू रेसिपीज़ के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट करें